लेनोवो का एक और नया डिवाइस यहाँ पे लीक होके आ चुका है, जहां पे दोस्तों हमें स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। सेम प्रोसेसर दोस्तों हमें रियलमी 2 प्रो में भी देखने के लिए मिला है, जो कि मिड रेंज सेगमेंट में अभी धूम मचा रहा है। अब दोस्तों ये डिवाइस भी दोस्तों रियलमी 2 प्रो को टक्कर दे सकता है। अब लॉन्च से पहले दोस्तों 10 लिस्टिंग्स रिवील होके आ चुके हैं, सब कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं, और आपको पता है कि 10 लिस्टिंग्स के थ्रू जो भी स्पेसिफिकेशन निकल के आते हैं वो 100% पक्की होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगे तो यार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ेगा तभी मैं आप लोगों तक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करें दोस्तों डिजाइन की, तो यहाँ पे डिजाइन तो जो मिड रेंज सेगमेंट में हमें देखने के लिए मिलता है Asus ZenFone Max Pro M1, हमारा Redmi Note 5 Pro है वैसा ही डिजाइन है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वर्टिकल डुअल रियर कैमरा सेटअप, उसके नीचे LED फ्लैश, रियर में आप लोग को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, मेटल बैक मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो डिस्प्ले में नॉच मिलेगा, बॉटम में चिन मिलेगा, टिपिकल वैसा ही डिजाइन है, कुछ नया डिजाइन नहीं है Realme 2 Pro जैसा। यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या कुछ 10 लिस्टिंग्स के थ्रू रिवील होके आए हैं। अब ये सब दोस्तों एकदम पक्की है, क्योंकि 10 लिस्टिंग्स के थ्रू जो भी आते हैं पक्की न्यूज ही आते हैं। यहाँ पे बात करें दोस्तों डिस्प्ले की, तो 5.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा आप लोगों को, जो कि नॉच के साथ आएगा और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन लेके आएगा। एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और लेनोवो का अपना कस्टम UI मिलेगा, और इसमें आप लोगों को दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा। अलग अलग रैम और स्टोरेज वेरियंट आप लोगों को मिलेंगे, 3GB, 4GB, 6GB। यहाँ पे स्टोरेज वेरियंट आप लोगों को मिलेंगे दोस्तों 32GB, 64GB, 128GB। माइक्रो SD कार्ड लगा के आप स्टोरेज एक्सपेंड कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 4 कैमरास मिलते हैं, 2 पीछे 2 आगे। पीछे की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 20+12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, LED फ्लैश भी मिल जाता है। फ्रंट में दोस्तों 20+8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, और यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का जो सेंसर है दोस्तों वो डेप्थ सेंसर है। तो यह है दोस्तों 4 कैमरा वाला सेटअप। यहाँ पे हमें दोस्तों 3500 mAh की बैटरी मिलती है। तो यह है दोस्तों लेनोवो S5 Pro, जो कि आने वाला है काफी ही जल्द, इसका स्पेसिफिकेशंस। अब प्राइस की अगर बात करें तो मुझे लगता है मिड रेंज कैटेगरी में ही आएगा, और इंडिया की लॉन्च की अगर बात करें तो मुझे नहीं पता भैया कि इंडिया में कब लॉन्च होगा नहीं होगा, क्योंकि लेनोवो वाले अपने Z5 को भी लॉन्च नहीं किया था इंडिया के अंदर, जो कि काफी अच्छा मिड रेंज डिवाइस था। अब देखते हैं S5 Pro को लेनोवो वाले लॉन्च करेंगे या फिर नहीं करेंगे, धूम मचाएंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर मोटरोला डिवाइसेस को ही लॉन्च करेंगे ओवर प्राइस्ड करके। अब पता नहीं यहां पे लेनोवो के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है लेनोवो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप ये लेनोवो S5 Pro के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलूंगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए भैया बाय।